नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। हमने हिंदू धर्म में ओम शब्द तो कई बार सुना है, कई बार उच्चारण भी किया है। हम कभी भी भगवान का नाम लेते हैं तो उससे पहले ओम का उच्चारण करते हैं, लेकिन ओम शब्द का क्या महत्व है, जानिए इस वीडियो के दौरान। कभी कभी हमने देखा है, कभी भी हम पूजा करते हैं या किसी भगवान का नाम लेते हैं तो उससे पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का मतलब होता है ब्रह्मांड, यानी कि पूरे ही ब्रह्मांड में सबसे पहले ओम शब्द निकला था, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में ओम को ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। कभी भी भगवान का नाम स्मरण करने से पहले हम ओम शब्द जरूर बोलते हैं। पूजा पाठ हो, कोई भी चीज हो, जब भी हम पूजा पाठ के कार्य में जुड़ते हैं तो उससे पहले हम ओम का उच्चारण जरूर करते हैं। ओम का महत्व भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। ओम सारे गुणों में एक है। जब भी हम भगवान की आराधना करते हैं या फिर पूजा करते हैं तो उससे पहले सिर्फ ओम ही बोलते हैं और उसके बाद हमारे जीवा पर भगवान स्वयं ही विराजमान हो जाते हैं। ओम शब्द के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को एकत्र जोड़ा जाता है, इसलिए यदि आपको अलग अलग भगवान के नाम ना उच्चारण करना पड़े, इसके लिए एक ओम शब्द का उच्चारण करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सारे देवी देवता इसी ओम शब्द में विराजमान होते हैं। यदि आपको अधिशक्ति चाहिए या फिर आपको ज्ञान चाहिए, उसके लिए आप ओम शब्द का ही उच्चारण करें, क्योंकि यह आपको आत्मबल देता है और आपकी सहन शक्ति को भी बढ़ाता है, मानसिक तरोवर को ठीक रखता है और आपके तन को भी साफ रखता है। जीवा तो आपके शुद्ध वैसे ही हो जानी है जैसे आप ओम का उच्चारण अपने जीवा से करते हो। भगवान का नाम लेने के लिए ओम शब्द काफी रहता है। जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वह 432 हर्ट्ज की कंपन पैदा करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जितनी भी गर्मी होती है वह सभी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और हमारे मन को बिल्कुल शांत कर देती है, हमारे तनाव को दूर करती है। इसलिए यदि आपको तनाव होता है तो आप अपने तनाव को दूर करने के लिए ओम का उच्चारण जरूर करें, कि आपके मन को शांति मिले और आप अपने आप को समझ सकें, तो उसके लिए आप एकांत में बैठकर ओम का जाप जरूर करें। जो आपका मध्य बिंदु यानी तीसरी आंख कहलाता है, उसे आप खोल सकते हैं और अपने आप को समझ सकते हैं। आप क्या हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या जानना चाहते हैं, ये आपके ही द्वारा ही पता चलेगा, किसी और के द्वारा नहीं। तो आप कोशिश करें कि आप ओम का उच्चारण करते रहें, जिससे कि आपको अपने बारे में ज़्यादा ज्ञान हो। तो ये है ओम का महत्व। यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप ओम का उच्चारण जरूर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।